अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि भाई बिटकॉइन का प्राइस 10 लाख डॉलर तक जा सकता है और जाएगा अगर इसके ऊपर हालात ना आए। ये सब कुछ ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं न्यूज़ इसमें शामिल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आज बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 35,000, लेकिन 35,000 चल रहा है, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक न्यूज़ आई, भले फेक हो, कि अमेरिका ने बिटकॉइन को बैन कर दिया, यानी उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह उनके यहाँ इलीगल हो गया है, तो क्या होगा बिटकॉइन के साथ? बिल्कुल बिटकॉइन ख़त्म, बिल्कुल बैन, यानी ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म। क्यों? क्योंकि लोग सेल करना शुरू कर देंगे, और अगर इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ मिसाल के तौर पे अमेरिका के भाई हम लोग डॉलर्स ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, या हम अपनी डॉलर की करेंसी लेके आ रहे हैं, डिजिटल करेंसी, ठीक है, अगर अपनी वो डॉलर की करेंसी लेके आते तो बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर यानी अमेरिका ने उसको मान लिया कि बिटकॉइन डिजिटल करेंसी एक अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड ऑन द न्यूज़ और TA। अच्छा जी, TA बिल्कुल आखिर में आता है। न्यूज़ एक मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बिगाड़ सकती है। एनीवे, तो हम बात करते हैं कि भाई 10 लाख डॉलर तक कब जाएगा। तो ये मैंने गूगल से मैंने उठाया ये चार्ट, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छी इन्होंने बात लिखी है कि भाई 2010 में बिटकॉइन 10 मिनट में 50 बिटकॉइन बनते थे, ठीक है, माइनिंग के ज़रिए, ठीक है, लेकिन 2014 में क्या हुआ, बिटकॉइन माइनिंग के ज़रिए 10 ही मिनट लगने, लेकिन 25 बन रहे हैं बिटकॉइन, ठीक है, कहाँ 50 बनते थे और आज यानी 2014 में 25 बन रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, फिर ये BTC, फिर यानी टोटल BTC ये हो गए फिर दुनिया के अंदर, ठीक है, माइनिंग होती गई, ये पहले इतने थे, फिर उसके बाद आगे इतने होते गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ 2018 में, ये उससे भी कम, 2500 से भी कम होके, 25 से भी कम होके 10 मिनट में 12 बिटकॉइन बनना शुरू हो गए, ठीक है। फिर बिटकॉइन का प्राइस यानी ऐसे ऊपर जाता गया, जब जब ये कम हुआ उससे, यानी जब जब बिटकॉइन बनना कम हुए माइनिंग के ज़रिए, इसका प्राइस शूट करता गया। मिसाल के तौर पे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, टमाटर बिल्कुल मार्केट से गायब हो जाते हैं, तो मार्केट के अंदर क्या कहेंगे, टमाटर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो टमाटर भी इसी तरह शॉर्ट होंगे तो हो जाएगी, इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसे ही 2 रुपए के टमाटर यानी ऐसे ही मिल रहे हो, कोई कह रहा हो यार ले लो अल्लाह के वास्ते, जैसे आजकल में आलू मिल रहे होते हैं, आलू की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग 10-10 रुपए भी मिल रहे होते हैं आलू, तो ऐसे ही टमाटर का भी है कि भाई टमाटर अगर ज़्यादा उगना शुरू हो जाएगा तो उसकी खपत कम होगी, यानी 10 लाख लोग हैं खाने वाले टमाटर, और 10 लाख टमाटर हैं, ठीक है, अब यानी ये बिल्कुल इक्वल है, लेकिन 10 लाख लोग खाने वाले और 1 लाख टमाटर हैं तो कहाँ जाएगा टमाटर, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। एनीवे, बहुत लंबी टमाटर के ऊपर चले गए। एनीवे, फिर ऐसे ही क्या हुआ, 2000 ये 10,000 डॉलर तक चल रहा था 2020 में, ठीक है, ऐसे करते करते फिर उसके बाद क्या हुआ 2021 में, यानी ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कह रहे हैं कि 2021 में क्या होगा कि इसका जो है ना 2021 में 6 बिटकॉइन बनना शुरू हो जाएंगे और इसकी मशहूरी बढ़ेगी, यानी लोग इसको ख़रीदेंगे और ज़्यादा, तो टोटल बिटकॉइन इतने रह जाएंगे, यानी और लोग इसको जानेंगे तो
और ज़्यादा ख़रीदेंगे भी, यानी इसकी खपत ज़्यादा हो गई और यानी माइनिंग कम हो गई, बनना कम हो गए एनीवे, तो 10 मिनट में 6 बिटकॉइन बनना शुरू हो गए। तो ये $10 लाख तक की कह रहे हैं कि भाई अगर बिटकॉइन सही चलता रहता है इसी टारगेट इसी लेवल से तो ये 10 लाख क्रॉस करेगा, ठीक है। 10 लाख 2024 में कह रहे हैं ये $10 लाख क्रॉस करेगा, ठीक है। ये आप सर्च कर सकते हैं बिटकॉइन हेल्विंग 2024, तो ये आ जाएगा आपके पास गूगल के ऊपर ही, ठीक है, ये चार्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। अगर मेरे से कोई गलती हो या कुछ भी गलत बात बोल दी हो, मैं सीखने वाला हूँ और सिखाने वाला नहीं हूँ, जो मेरे पास इलम है वो मैं दे सकता हूँ, और अगर कुछ भी गलत कह दिया तो सिर्फ यानी तो माजर चाहता हूँ और आप मुझे कमेंट में आगाही कर दीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और ये कुछ भी सीखना हो, कुछ भी क्रिप्टो का सीखना हो, तो आप वकार जगह के पेज से बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी का जो भी क्रिप्टो करेंसी का उसने एक $10 का फ़ी देकर आप आराम से उससे सीख सकते हैं हर महीने। $10 है हर महीने की फ़ी, लेकिन आपका जो है ना $10 तो आपके यानी मिनिमम है, आपके आराम से 100, 200, 300, $400 तक बन सकते हैं, यानी जितना गुड़ उतना मीठा, लेकिन उसमें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, सीखना फ़र्ज़ है, सीखोगे नहीं तो डुबाओगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। और स्टार्ट जो है ना $10 से $10 डाल के शुरू करना, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था पहले, सिर्फ मैंने जो है ना ₹200 के USDT लिए थे, ठीक है। USDT अगर आप वकार जगह के पेज में जाएंगे तो वो आपको हर चीज़ बताते हैं वो, और कमेंट में भी मुझसे अगर लोग डिमांड करेंगे कि भाई USDT बताओ तो मैं इंशाल्लाह बता सकता हूँ, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है, तो उसको भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और कोई भी सवाल हो या मुझे मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं और मुझे आगाही भी दिला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।